हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं बानेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि बेंगलोर में है। और अगर आप भी बानेरघट्टा जाने का प्लान कर रहे हैं तो टिकट जो है पहले ही ऑनलाइन ले लें, जिसके लिए आपको बस सर्च करना है बानेरघट्टा नेशनल पार्क और उनकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। और आफ्टर दिस कन्फर्मेशन यू विल गेट ऑल द पैकेजेस अवेलेबल, तो आप इनमें से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं जो सा पैकेज आपको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जू है, सफारी है और बटरफ्लाई पार्क है, तो आप जो है अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। और आप जब अंदर एंटर कर रहे होंगे तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, जिसमें जो है प्राइसेस पूरे पैकेजेस के साथ जो है आपको दिखेंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके टिकट ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही टिकट ले लें। जिसके लिए आपको जो है सेलेक्ट करना है आपको कौन सा पैकेज चाहिए, और फिर उसके बाद आप कौन सी डेट पे जा रहे हैं, उसके बाद आप कौन सा स्लॉट। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है सबसे पहला स्लॉट ही बुक करना, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, इसलिए आप पहला ही स्लॉट बुक करना। सो अभी हम नॉन एसी जू और सफारी के लिए बुक कर रहे हैं, तो इसमें जो है टाइमिंग्स मिलेंगी आपको कि आप कौन से दो ऑप्शन पे बुक करना चाहते हैं। और फिर ये जो है प्राइसेस का सेक्शन आ जाएगा, आप कितने लोगों के लिए टिकट्स लेना चाहते हैं। आफ्टर एडिंग ऑल दिस डिटेल एक नेक्स्ट विंडो आएगी, जिसमें आपको जो बस अपना नाम और डिटेल देनी है, और आपके मेल पे जो है क्यूआर कोड आ जाएगा जो आपको वहाँ दिखाना होगा। और क्यूआर कोड स्कैन के बाद जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है सफारी है और राइट साइड पे जो है जू है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारा जो है अर्ली मॉर्निंग स्लॉट ही हमने बुक किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लग चुकी है अभी भी। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप जो है पहले ही स्लॉट बुक करें, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे और आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है। और ट्राई करना जब आपको बस के लिए ले जा रहे हों तो आप जो है आगे रहने की कोशिश करना, ताकि आपको विंडो सीट मिल पाए, क्योंकि विंडो सीट का जो सिस्टम है वो जो पहले आएगा उसको उसी हिसाब से सीट मिलेगी, और उसमें कोई चेंज नहीं होता फिर। और अगर आपको बेस्ट व्यू चाहिए तो आप जो है ड्राइवर के साइड वाली जो सीट होती है वहाँ पर बैठ के भी जो है व्यू बहुत अच्छा मिलता है, तो वो ले लेना। लेकिन हम तो लेट थे तो हमें वो सीट नहीं मिल पाई थी, हमें सब लास्ट की ही सीट मिली थी। और बस में जो ड्राइवर भैया हैं उनको पता होता है कि कौन से एनिमल जो है कहाँ पे मिलेंगे, तो वो जो है आपको अच्छे से जो है पूरा एक्सपीरियंस करवाएंगे। वो थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बस आगे बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा आप में इंसिस्ट करना है कि वो थोड़ा धीरे चले जब वो एनिमल्स आए। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है आपको ओपन में ही मिलेंगे, आप पिंजरे में बंद होंगे। और जब आप सफारी के बाद जब जू जाएंगे तो जू के अंदर आप बाहर होंगे और बाकी सारे एनिमल्स पिंजरे में। और सबसे पहला स्लॉट बुक करने का फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह एनिमल्स जो हैं थोड़ा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि थोड़ा जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिर वो खा पी के जो है सोने चले जाते हैं, इतने एक्टिव नहीं रहते। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी वो फेंसिंग के पास आके आराम से जो है थोड़ा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर वो भी जो है आपको एक्टिवनेस नहीं मिलेगी उन एनिमल्स में। तो ट्राई करें कि आप पहला ही स्लॉट बुक करें। और अब हम थोड़ा जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं, और इन एरियाज़ में जो है ये गेट लगे हुए हैं पूरी फेंसिंग से, मतलब क्लोज है ये एरिया, और जब बस वगैरह और जीप जाती है तभी ये गेट खोलते हैं। अगर हम बात करें इस पार्क की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में और डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क जो है 1974 में। और 2002 में जो इस पार्क का छोटा सा पोर्शन है उसको जो है जूलॉजिकल गार्डन बना दिया गया, जिसको हम बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था कि आप जो है जल्दी आने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है एनिमल्स जो है पास से भी दिखें और थोड़े एक्टिव भी दिखें। हमें जो है टाइगर बहुत ही पास से दिखा था, वो बिल्कुल हमारी बस के नज़दीक तक आ गया था, एंड इट वाज़ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। और ये जो पार्क का एरिया है वो जो है 260.5 किलोमीटर स्क्वायर में जो है फैला हुआ है, और इसका मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एक ब्रांच है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया उसके अंडर आता है। और अगर हम बात करें पार्क के ओपन होने की टाइमिंग्स की, तो ये सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। सो अभी हम सफारी से आ चुके हैं, अब हम जो है जू जाएंगे, और वापस आके आपको जो है सेम टिकट इनको जो है दिखानी है जो आपको मेल पर रिसीव हुई है, और आपको एंट्री मिल जाएगी। और अगर आप जाने का सोच रहे हैं पार्क, तो पहले जो है वेदर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि पार्क जो है बहुत बड़ा है और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ सकता है। वैसे तो ये जो आपको सामने जो कैब्स दिख रही हैं ये रहेंगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले वेदर देख लें और तब जाएं। और स्टार्टिंग में ही आपको जो है पूरा मैप मिल जाएगा, और आप मैप में देख के अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पहले देखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको अगर जो है मेन एनिमल्स देखने हैं तो रूट से आपको जो है आसानी हो जाएगी थोड़ी। हमें जो है जू पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया था, और दोपहर हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर एनिमल्स जो है अपने एरिया में जो है सो रहे थे, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर था और ये भी जो है आराम कर रहा था।
और ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले सफारी पे जाना है या फिर जू में जाना है। लेकिन सफारी करने में ये रहता है कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बस जो है पूरे पार्क में जाती है, तो बेसिकली वहाँ पे लायन सफारी है, टाइगर सफारी है, हार्बीवोर सफारी है और बियर सफारी है, तो इन सब में जो है जाने में और सब में टाइम लगता है। तो इसलिए पहले है कि आप सफारी जाएँ और उसके बाद जू आएँ और फिर उसके बाद लास्ट में बटरफ्लाई पार्क। और इस जू को जो है पहले एज अ पिकनिक कॉर्नर के रूप में स्टार्ट किया गया था, ताकि बेंगलोर की जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको एक पिकनिक फैसिलिटीज़ दी जा सके। और ये जो एरिया जो है जू का, ये बानेर घट्टा सेंट्रल रिजर्व के चंपाकदामा हिल एंड मिर्ज़ा हिल के बीच में पड़ता है। और इस जू में आपको जो है वैरायटी ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ऑफ बोथ एक्जॉटिक एंड इंडियन ओरिजिन के मिल जाएंगे, जिनका टोटल अगर हम काउंट की बात करें तो 1941 एनिमल्स हैं अराउंड, और जो बिलोंग करते हैं 94 स्पीसीज से। इसके अलावा वहाँ पे एक लेक भी है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, और जिसके प्राइसेस जो हैं कुछ इस तरह से हैं, 2 सीटर के लिए 200 और 4 सीटर के लिए 400, और रोइंग बोट अगर आपको करनी है अकेले तो उसके लिए जो है 50 पर पर्सन। और लेक के बीच में एक फाउंटेन भी है, जिसकी वजह से जो है एक काफ़ी मिस्ट टाइप का वहाँ पे शेड सा बन जाता है। अगर आप बोटिंग करेंगे तो आपके जो फेस पे और आपके बॉडी पे वो आएगा, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आप एनिमल की ट्रॉफीज, स्केलेटन, फोटोग्राफ्स, फॉसिल एक्सेट्रा जाके आप देख सकते हैं। और जैसे कि जो है टाइम ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादातर एनिमल्स जो है अंदर ही की तरफ थे, बाहर की तरफ जो है काफ़ी कम थे, ज़्यादातर जो है आराम भी कर रहे थे, तो इसलिए बेटर है कि आप जो है सुबह ही जाएं। और यहाँ पे एनिमल अडॉप्शन का भी है, अगर किसी को एनिमल अडॉप्ट करना है तो वो जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका नाम लिख जाएगा और आपको जो है उसका खाने का पीने का सब जो है इंतज़ाम करना होगा। बेसिकली आपको जो है पे करना होगा और आपके बिहाफ पे मैनेजमेंट जो है उन एनिमल्स की टेक केयर करेगा। मैंने पहले ही बताया था जैसा कि पार्क जो है काफ़ी बड़ा है, तो आपको जो है रास्ते में जाते हुए बहुत जगहों पे मैप्स दिख जाएंगे, जिससे आपको अगर कोई स्किप करने हैं एनिमल्स तो आप जो है स्किप करके मेन एनिमल्स को देखने के बाद जा सके। लेटस से आपके पास अगर टाइम कम है तो आप जो है मैप को फॉलो करके कुछ जो है एनिमल्स को स्किप कर सकते हैं, और जो आपको देखना है देख के वापस जा सकते हैं। और पार्क में आपको हर एक एनिमल्स के केज के बाहर बोर्ड मिल जाएगा, जिसमें उस एनिमल का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, उनका जो हैबिटेट और वो क्या उनकी नेचुरल डाइट है और उन्हें जू में क्या मिलता है, वो सब डिटेल्स लिखी होंगी। अगर आपको जो है जानने में जो है ज़्यादा मज़ा आता है और इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मैमल्स का सेक्शन अब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, अब यहाँ से जो है बर्ड्स और रेप्टाइल जोन स्टार्ट होते हैं। तो अभी पहले हम बर्ड्स जोन में जाएंगे और उसके बाद रेप्टाइल जोन। और आप जैसे ही बर्ड जोन में एंटर करेंगे तो आपको जो है बर्ड के चिरपिंग की बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, और कुछ कुछ बर्ड्स तो इतना तेज़ साउंड कर रहे होंगे कि इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। और वैसे तो मैंने घर के आसपास 2 या 3 तरीके के ही बर्ड्स जो है देख रखे हैं, लेकिन जब जू में जाके मैंने इतने सारे बर्ड्स को देखा तो मैं तो हैरान रह गया कि इतनी सारी स्पीसीज भी होती हैं, क्योंकि अपने घर के आसपास इतनी जो है स्पीसीज नहीं देखने को मिलती हैं। और अब बर्ड्स का सेक्शन कम्प्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं रेप्टाइल जोन में। और यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, स्नैक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जिनको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। और फिर आगे चल के जो टॉर्टाइज आपको देख रहे हैं एक के ऊपर एक, ये सब आर्टिफिशियल हैं बेसिकली उनका इन्वायरमेंट बनाने के लिए, कि उनको अकेला ना फील हो। और रियल वन जो है वो 2 या 4 ही होंगे बस। और यहाँ से जो है स्नैक का एरिया जो है शुरू हो जाता है, पाइथन वगैरह, किंग कोबरा एक्सेट्रा। और सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी वो किंग कोबरा पे थी, जो कि ये है इसने क्या प्रदर्शनी लगाई थी वहाँ पे, सारा क्राउड सिर्फ किंग कोबरा के केज के बाहर था। एंड जस्ट लुक एट दिस। एंड नाउ ऑलमोस्ट रेप्टाइल जोन जो है कवर हो चुका है, और अब हम जो है वापस जाएंगे। तो मैंने पहले बताया था म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, आप वहाँ जा सकते हैं। हम तो नहीं गए थे क्योंकि टाइम कम था, क्योंकि पार्क घूमने के बाद हमें एक जगह और भी जाना था, जो कि इस वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊंगा। रिकमेंड करूंगा कि आप बानेर घट्टा नेशनल पार्क आएँ तो वहाँ पर भी ज़रूर जाएँ। और जो मैं म्यूज़िक और ऑडिटोरियम की बात कर रहा था, आप रेप्टाइल जोन सेक्शन जब ख़त्म करके आगे आएंगे तो कुछ एरिया में थोड़े से जो बर्ड्स वगैरह पड़ेंगी, और इसके आगे ही म्यूज़ियम और ऑडिटोरियम पड़ेगा, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अब ऑलमोस्ट जो है हमने पूरा पार्क जो है बेसिकली कम्प्लीट कर ही लिया है, और अब हम बाहर जा रहे हैं।
और बाहर आपको जो है शॉप्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब इतना घूमा है तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होगा, तो आपको बाहर शॉप मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके आराम से कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हैं और अपना स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हैं। और बाहर आते समय ही आपको जो है एक होटल भी मिलेगा जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह ही हैं, अगर आपको खाना भी खाना है तो आप आराम से खा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है रेट्स हैं प्लेट्स के, और जो भी आइटम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, और शॉपिंग के लिए भी वहाँ पे आराम से बहुत सारे शॉप हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप जब पानेरघट्टा से निकलेंगे तो रास्ते में जो है दो मंदिर पड़ते हैं, वहाँ आप बिल्कुल ज़रूर जाएँ। सो पहला मंदिर जो है कृष्ण जी का है, और ये दूसरा मंदिर है, ये जो है काफ़ी खूबसूरत था अंदर से। और एक और चीज़ है कि ऊपर एक पहाड़ी पे, ऊपर हिल पे एक और मंदिर भी है जहाँ पे आपको चढ़ के जाना होता है, और वो भी बहुत खूबसूरत है। सो आपको साइड में से ही जो है स्टेयर्स मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए, और आपको जो पूरे सिटी का व्यू मिलने वाला है ऊपर हिल से वो बहुत ही ऑसम होने वाला है। सो अभी हम आधा रास्ता जो है कम्प्लीट कर लिया है, अब थोड़ा ही रास्ता बाकी है। और जिस दिन हम गए थे तो उस दिन मौसम जो है काफ़ी ऑसम था, जैसा कि वीडियो में देखने से भी लग रहा होगा। और ऊपर से जो व्यू मिलने वाला है आपको हिल्स के ऊपर से पूरे सिटी का, वो काफ़ी ऑसम होगा। और वहाँ पे जो है थोड़ी देर आराम से बैठना, और सिटी के शोर शराबे से वहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट आराम से बैठना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये रहा वो मंदिर जो मैं बता रहा था आपको कि जो हिल्स के ऊपर है, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप अपना आराम से घर जा सकते हैं। एंड थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस पॉइंट। If you really like the video, then do like, comment, share the video with your friends and family. Until next time, bye-bye.